तो अभी ये वीडियो में हम लोग समझते हैं डोर पे जो ये सेट लिखा हुआ है और 1, 2, 3 लिखा हुआ है ये क्या चीज है। बेसिकली ये जो ड्राइविंग सीट है और जो आउटसाइड रेयर व्यू मिरर है इसका सेटिंग है। ये व्हीकल में आप 3 टाइप से सीट का सेटिंग रख सकते हो, जैसे महेश चलाते हैं गाड़ी, दिनेश चलाते हैं गाड़ी और सावंत काका भी चलाते हैं। तो 1 पे आप महेश रख सकते हो, 2 पे दिनेश रख सकते हो और 3 पे सावंत काका की सेटिंग रख सकते हो, जो पोजीशन उनको चाहिए। अभी ये मैं आपको करके बताता हूँ। अब बेसिकली सीट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, मैंने पीछे ले ली, अब थोड़ा सा मैंने रिक्लाइनर भी क्रॉस कर लिया, अब मैं मिरर अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। अब ये जो मिरर है ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और अभी मैंने राइट का भी मिरर सेट कर लिया और लेफ्ट का भी मिरर सेट कर लिया। अब जब मेरा सेटिंग पूरा हो गया, दिस इज माय एक्चुअल ड्राइविंग पोजीशन, तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक बार मुझे सेट प्रेस करना है। सेट प्रेस करने के बाद जो भी स्विच पे मेरे को चाहिए 1, 2, 3 पे, उस पर मुझे प्रेस कर देना है। तो सेट दबाने के बाद मुझे ये सेटिंग 1 पे चाहिए, मैं 1 प्रेस करूंगा। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस कर दूंगा 1 पे, ये सेटिंग हो गई। अब मैं सीट थोड़ा आगे पीछे करके आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए महेश आके गाड़ी चला के गए, अब नेक्स्ट टाइम मेरे को आके गाड़ी चलाना है, ठीक है, तो मेरे को आके पूरा सेटिंग चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ 1 दबा देना है, ऑटोमेटिकली सीट जो है वो मेरे एक्चुअल पोजिशन में जा रही है, आप देख सकते हैं, और मिरर भी एडजस्ट हो गया। तो मुझे बार बार सीट में सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं, बस 1, 2, 3।